हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने यूट्यूब के थंबनेल को ट्यूब बडी से मॉडिफाई करना चाहते हो, अपने पुराने वाले थंबनेल के अंदर कुछ नया ऐड करना चाहते हो, या कुछ टेक्स्ट डिलीट करके कुछ नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, आइकन वगैरह ऐड करना चाहते हो, तो इस वीडियो पे बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना, तब आपके पास ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते रहता हूँ। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना, तब आपसे वो पॉइंट मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आपको थंबनेल मॉडिफाई करना है ट्यूब बडी से। ठीक है, तो जैसे फिलहाल अगर मुझे अमेजोन पे में नया अकाउंट कैसे बनाए, अगर इसका थंबनेल मुझे मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो इसके डिटेल्स वाले पेज पे चले जाइए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ये डिटेल्स वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होगी आपकी वीडियो की, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद तो इसको यूज़ करने के लिए ना, सबसे पहले आपको ना ट्यूब बडी क्रोम ब्राउज़र पर या मोजिला ब्राउज़र पर एक्सटेंशन उसका ना इंटीग्रेट होना चाहिए। जो एक ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, क्रिएट थंबनेल, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स थंबनेल जनरेटर वाला एक पॉपअप ओपन हो जाएगा ट्यूब बडी का। ठीक है, जो एक थर्ड वाला एक ऑप्शन दिख रहा है ना, इमेज या एग्जिस्टिंग थंबनेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और जो भी आपका इस वीडियो का थंबनेल होगा ना, ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये थंबनेल लोड हो चुका है इस वीडियो का। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दो। ठीक है, ये हमारा थंबनेल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि क्या मतलब इमोजी वगैरह और कोई भी शेप वगैरह आप इस थंबनेल पर कैसे ऐड कर सकते हो। तो इमेजी वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अभी तो इमेजी वगैरह कोई भी लोड नहीं हो रही है कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो मैं आपको शेप ऐड करके दिखाता हूँ। ये स्टार वाला शेप है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगी शेप। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके कहीं पर भी आप इसको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप एरो बटन से इसको आप छोटा भी कर सकते हो, जैसे इस पर आप, जैसे मैंने इस पर ऐड कर दिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसके अंदर कोई नई इमेज अपलोड करना चाहते हो, ठीक है, जो एक प्लस वाला एक बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर पर से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद उसको आप ओपन करना है। जैसे फिलहाल मैंने ये वाली पिक क्लिक करी। ठीक है, क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद ये वाली पिक यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करके इसको आप छोटा बड़ा दोनों कर सकते हो आप इसको। ठीक है, और इसको यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको अब मैं डिलीट कर देता हूँ सिंपली। और अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, जो एक वाला टेक्स्ट वाला बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर आप ऐड लेयर बटन पर क्लिक कर दें, यहाँ पर टेस्ट ऐड हो चुका है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको टेस्ट लिख दिया, और यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप कोई भी फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो इस टेक्स्ट का। ठीक है, और बोल्ड वगैरह कुछ भी कर सकते हो, सेंटर वगैरह सब कर सकते हो, और इस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए, कलर चेंज हो जाएगा ना टेक्स्ट का, और इसको आप कहीं पर भी मूव भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऐप क्राफ्टिंग हब को ये सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, यानी जब भी हम कोई नए वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ना, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए, ताकि आप वो मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियोज़ पर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने यूज़र के साथ इंगेजमेंट बनाए रखता हूँ, उनकी कमेंट का हमेशा मैं रिप्लाई देता हूँ। और ये था फ्रेंड्स नया टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ, जैसे ये लोगो है, इसको हटा के मुझे कोई और सा टेक्स्ट ऐड करना है ना। ठीक है, तो सिंपली शेप वाला बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके ये वाला ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको मुझे हाइड कर देना है। इस पर क्लिक करा मैंने, ये मेरा हाइड हो चुका है। ये मैं ना वाइट कलर ले लेता हूँ इसका। ठीक है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी वाइट है, ये मेरा वाइट हो गया है। ठीक है, और ये मेरा हट चुका है ऊपर का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ नया टेक्स्ट ऐड करना, या नया लोगो वगैरह ऐड करना, अगर आप चाहते हो ना, इससे कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैंने लिखा और लिख दिया अमेजोन पे, अमेजोन पे। ठीक है, और बोल्ड कर दिया इसको, और ऐड लेयर कर दिया, ये अमेजोन पे मेरा यहाँ पर आ चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और जैसे मेरा इमेज है, अगर मैं लोगो भी लगाना चाहता हूँ ना, लोगो पे क्लिक करा, लोगो आ चुका है मेरा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंप्यूटर से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, डाउनलोड वगैरह कर सकते हो आप गूगल से। जैसे ये आपने अपना थंबनेल मॉडिफाई कर दिया, एडिशन वगैरह कर दिया सब। ठीक है, अब इस थंबनेल को अगर आप पब्लिश करना चाहते हो अपनी वीडियो पर, ठीक है, जो कंटिन्यू बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो एक सेव एंड पब्लिश वाला एक बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब एक ये कंफर्मेशन का
पॉपअप ओपन हो जाएगा, आर यू श्योर वॉन्ट टू पब्लिश दिस थंबनेल, ये कह रहा है अगर कि आप इस थंबनेल को पब्लिश करना चाहते हो अपनी यूट्यूब वीडियो के साथ, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा नया वाला थंबनेल अपडेट हो चुका है, इसको क्लोज करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा नया वाला थंबनेल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, थोड़ा आप ऊपर भी स्क्रॉल भी करोगे ना, ये नया थंबनेल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि ट्यूब बडी से थंबनेल को कैसे मॉडिफाई करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।